कैंची चुंगी फाटक तामीराती कामों के लिए 29 फरवरी तक बंद रहेगा। फाटक के नीचे से गुजरने वाली हर किस्म की ट्रैफिक लाहौर ब्रिज इस्तेमाल करेगी। हैवी ट्रैफिक और स्लो मूविंग व्हीकल्स की वजह से भी ट्रैफिक का लोड रहेगा। फाटक दुरुस्तगी तक लाहौर ब्रिज पर ट्रैफिक का लोड रहेगा। ट्रैफिक के दबाव के पेश नजर इजाफी वार्डन्स तैनात रहेंगे। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस। जोड़े पुल का इलाका फैसल पार्क मसाइल का गढ़ बन गया। गंदगी के ढेर और खराब सीवरेज ने मकीनों का जीना बहाल कर दिया। हुकूमती नुमाइंदों की चश्मपोशी के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। तब्दीली सरकार का वीआईपी कल्चर के खात्मे का नारा ठोस। सरकारी बाबों की परेशानी को हल कर डाला। पीआईए का तमाम एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर्स कायम करने का ऐलान। हुक्मनामे पर अमल दरामद ना करने वाले स्टेशन मैनेजर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतजामिया को मुरासला जारी। पांचवीं और आठवीं जमात के इम्तिहानात का मामला इम्तिहानी मराकज के इतराफ में दफा 144 का नफाज यकीनी बनाया जाए। एग्जामिनेशन कमीशन ने सिक्योरिटी इंतजाम के लिए एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला लिख दिया। साने साहिवाल में मजीद होशुबा इंकशाफात सामने आ गए। ऑपरेशन बगैर इजाजत किया जाए हादसा फौरी साफ करके शवाहिद खत्म कर दिए। गाड़ी का डाटा वाकया होने के बाद महकमा एक्साइज ने हासिल किया। सीटीडी ने शुरू ही से गलत बयानी की। ऑपरेशन को जबरदस्ती फैसलाबाद वाकये से जोड़ने की कोशिश की गई। वुजरा और दीगर हुक्काम की गलत ब्रीफिंग से हुकूमत की बदनामी हुई। जेआईटी अरकान भी तकसीम। हकायक छुपाने पर पुलिस अफसरान में इख्तलाफात। ये दिल खराश मंजर पूरी कौम ने देखे हैं, किस तरह से बेदर्दी से उस खातून का कत्ल किया गया, उसकी बच्ची का कत्ल किया गया। वो जो बाप था वो दुहाइयाँ देता था कि मुझसे पैसे ले लो, मुझे कत्ल ना करो। मैं हुक्मरानों को वॉर्न करता हूँ कि मैं इसको अपना मिशन बनाऊँगा। उस बच्चे के आंसू कीमत ये नहीं है कि कल आप उसके चचा को अपना जो है इस्लामाबाद के सड़कों पे घुमाते रहे इस बहाने से कि हम मुलाकात कराएंगे। हमजा शहबाज ने साने साहिवाल को जिंदगी का मिशन करार दे दिया। साने साहिवाल में मुलव्वस अफराद को इसी चौराहे में फांसी दी जाए। यतीम बच्चों को इंसाफ मिलने तक हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मकतूल के खानदान को इस्लामाबाद की सड़कों पर खार किया गया। हमजा शहबाज की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मासूमों के आंसुओं का तकाजा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साने मॉडल टाउन के जिम्मेदारों का तायुन भी जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान की कल लाहौर आमद। मुतवक्के साने साहिवाल के मुतासरीन से मुलाकात का भी इम्कान। गवर्नर और वजीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत करेंगे। साने साहिवाल जैसा वाकया दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोर्सेस रेड ऑपरेशन के दौरान कवानीन पर पाबंदी करें। हवाई फायरिंग से भी गुरेज करें। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी। सिटीडी पुलिस और दीगर ऑपरेशनल फोर्सेस के लिए नए एसओपीज जारी। ऑपरेशन के दौरान किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। SOPs. साने साहिवाल पहले फुर्तियां अब सुस्ती। जेआईटी ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला असलहा हासिल ना कर सकी। जेर हिरासत सीटीडी एहलकारों की गिरफ्तारी ना डाले जाने का इंकशाफ। फ्रांसिक एजेंसी को वाकये के नामुकम्मल शवाहिद भेजे गए। सिर्फ गोलियों के कौल की बुनियाद पर रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकती। राइफल भी फराहम की जाए। फ्रांसिक साइंस एजेंसी का शवाहिद देने के लिए महकमा दाखिला पंजाब को पीर तक की डेडलाइन। पूरी रात पूरा दिन अभी टाइम क्या हो गया है, अभी पिंडी के चक्कर लगा रहे हैं। कभी होटल पे जा रहे हैं खाना खा रहे हैं, कभी वो पांपे छोड़ रहे हैं, कभी वो ऐसे कर रहे हैं। उधर जाके पता चला कि सदर साहब कराची चले गए हैं और सैनेट साहब वो भी चले गए हैं। भाई ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। खलील की फैमिली को इस्लामाबाद किसने बुलाया, फिर सड़कों पर रुलाया। नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। पहले सीटीडी,
दाखला, फिर वुजरा और अब सेनेट की कायमा कमेटी की गलत बयानी सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने मलबा पीपल्स पार्टी पर गिरा दिया। खलील और जीशान के अहले खाना को रहमान मलिक ने मिलने के लिए बुलाया। तर्जुबान वजीर आला, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करने के लिए सबूत चाहिए। खलील की फैमिली से हमदर्दी है लेकिन उन्हें बुलाने का कोई नोटिस नहीं जारी किया। डीएसपी से भी पूछा जाएगा, किसने कहा खलील की फैमिली को लेकर आए? साबिक वजीर दाखला रहमान मलिक की वजाहत। हमीद लतीफ अस्पताल का आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वसीम अगवा के बाद कत्ल। मुलजिमान ने लाश गुलशन इरावी नाले में फेंक दी। रेस्क्यू अहलकारों की कश्ती की मदद से तलाश, ताहाल लाश ना मिली। डॉक्टर वसीम के अगवा का मुकदमा 22 जनवरी को थाना नसीराबाद में दर्ज हुआ। जेरे हिरासत तीन मुलजिमों ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ किया। घरेलू मुलाजमीन के रूप में वारदातें करने वाला चोर गैंग मुतहर। एक डॉक्टर सोसाइटी में चोरी की बड़ी वारदात। खवातीन चोर घर से 50 तोले तलाई जेवरात और 14 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर। सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। डाकू की दीदा दलेरी बरकरार। रायवन रोड पर शेरशाह कॉलोनी में दिन दहाड़े डकैती की तीसरी वारदात। कार सवार चार डाकू दुकानदार से 30,000 रुपए लूटकर फरार। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ अहले इलाका सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन का रायवन रोड को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज, नारेबाजी। डीएसपी चूंग की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। मुजाहरीन मुंतशर हो गए। ताला तोड़ गरोह का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लियाकताबाद के इलाके में डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाई। दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात करने वाला मुलजिम धर लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। हेलमेट के बाद मोटरसाइकिल सवारों के लिए नया कानून। मोटरसाइकिल सवार यकम फरवरी से केनाल रोड की बाई लेन पर चलें। दाई रोड पर चलने वालों के लिए वार्निंग जारी। इंतहाई बाई लेन में मोटरसाइकिल ना चलाने वालों के भी चालान होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी। एसपी ट्रैफिक। नाराज चेयरमैनों का मुतालिबा मंजूर। मेयर ने घुटने टेक दिए। बल्दिया उज़्मा के 15 करोड़ मालियत की बहाली स्कीमों के टेंडर्स मंसूख। नाराज चेयरमैनों ने टेंडर मंसूखी की दरखास्त दी थी। लॉर्ड मेयर ने जून्स में तकरर और तबादलों के इख्तियारात भी डिप्टी मेयर्स को तफवीज कर दिए। कस्टम्स डे पर करोड़ों रुपए की मनशियात नजरे आतिश। बाघा बॉर्डर पर भारी मकदार में हेरोइन, चर्स, गुटखा, अद्वियात और स्मगल शुदा अशिया को आग लगा दी गई। शराब की 6,000 बोतलें बिल्डोजर चलाकर तलब। वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर का कहना है, स्मगलिंग ने मौशियत तबाह कर दी। 15 फरवरी से गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन बंद कर देंगे। खजाना खाली, हुकूमत के पास पैसे नहीं। पंजाब हुकूमत ने 4 साल तक कोई बड़ा मंसूबा शुरू करने से हाथ खड़े कर लिए। ऑरेंज ट्रेन सफेद हाथी है। 2000 की टिकट करें तो लागत पूरी होती है, मगर 2000 की टिकट खरीदेगा कौन? सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। APNS के वफ से मुलाकात, बोले पार्किंग कंपनी का बुरा हाल है। 110 अरब रुपए सिर्फ सॉलिड वेस्ट में जाते हैं। मुल्क को ऐसे लूटा गया जैसे कल आना नहीं। सीनियर वजीर अलीम खान की वार्निंग काम कर गई। LWMC के अफसरान और अमला सड़कों पर आ गए। MD LWMC का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई के गैर तसल्ली बख्श इंतजाम पर LWMC के 3 अफसर मुअत्तल। अमले की हफ्तावार छुट्टी मंसूख। PTI रहनुमा अजासिम शरीफ सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेने पहुंचे। बोले जिस तरह शहर आज सोहना नजर आ रहा है, रोजाना ऐसा ही रहेगा। सफाई सुथराई के इंतजाम के लिए फील्ड स्टाफ और मशीनरी की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। LDA इंतजामिया की बड़ी गफलत। LDA के कितने असासाजात और लैंड बैंक का मालिक है? अथॉरिटी के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बगैर किसी मंजूरी के पैसों के हसूल के लिए नीलामी का अमल किया जाता रहा। वाइस चेयरमैन SM इमरान का LDA को मिल्कियती प्लाटों का तखमीना लगाने का हुक्म। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मंसूबे पर अमली इकदाम शुरू। 3 शहरों में घरों की अलॉटमेंट का प्लान तैयार।
रेनाला खुर्द, लोधरा और चिश्तिया में घरों की तामीर के काम का आगाज किया जाएगा। 3 मरले का घर 16 से 17 लाख रुपए में मिलेगा। 5 मरले के घर की कीमत 21 से 23 लाख रुपए रखी जाएगी। घरों का कब्जा 18 माह में दिया जाएगा और लॉटियों को 20% डाउन पेमेंट अदा करना होगी। और इस ट्रेन के कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसों की अदायगियों का मामला अदालत उज़्मा के अहकाम पर अमल दरामद। LDA ने तफसीलात पंजाब हुकूमत को जमा करा दी। 4 कॉन्ट्रैक्टर्स को सिविल वर्क का $62 करोड़ का ठेका दिया गया था। LDA की रिपोर्ट। DGLDA आमना इमरान खान की वन विंडो सेल पर खुली कचहरी। बरामदे में ही कुर्सी टेबल लगा ली। शहरियों के मसाइल सुने। NOC के मामले पर कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमना इमरान खान की गुफ्तगु। शहरियों के लिए बड़ी खबर। पानी और सीवरेज के गैर कानूनी कनेक्शन के लिए वासा की एमनेस्टी स्कीम। शहरियों को 5 मार्च तक दरखास्त देकर कनेक्शन कानूनी कराने के लिए डेडलाइन। MD वासा सैयद जाहिद अजीज कहते हैं, वासा का कोई अहलकार किसी किस्म की नकद वसूली का मजाज नहीं होगा। पानी के गैर कानूनी कनेक्शन पर साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मसाइल और जायज मुतालबात को हल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत मुकम्मल तआवुन के लिए हाजिर है। आटे की बरामद को पुरकशिश बनाने के लिए वैल्यू एडिशन की जाए। आटे में जिंक, आयरन, विटामिन को शामिल किया जाएगा। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च महबूब सुल्तान की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ से गुफ्तगु। हॉल रोड पर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर अंजुमन ताजरान मलिक अमानत कहते हैं, ताजरों के मसाइल हल करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ताजर बरादरी मजबूत होगी तो आवाम के लिए सहूलियात पैदा होंगी।